इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करूंगा जो कि है इफेक्टिव रेंज ऑफ वेपन्स। को पूछते होंगे जब भी हथियार लेने जाते हैं या किसी वेपन के बारे में अगर क्यूरियोसिटी ज्यादा जानकारी लेना होता है तो आप ये पूछते होंगे कि इस वेपन का इफेक्टिव रेंज क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज के इस वीडियो पे मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करूंगा जो कि है इफेक्टिव रेंज ऑफ वेपन। आप लोग हमेशा इस बात को पूछते होंगे जब भी हथियार लेने जाते हैं या किसी वेपन के बारे में अगर क्यूरियोसिटी ज़्यादा जानकारी लेना होता है तो आप ये पूछते होंगे कि इस वेपन का इफेक्टिव रेंज क्या है। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। सर, सबसे पहले जब भी हम किसी वेपन के बारे में पूछते हैं या लेने जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक क्यूरियोसिटी रहती है उस वेपन को लेके कि हमारे उस वेपन का इफेक्टिव रेंज क्या है। तो सर, इफेक्टिव रेंज की जहां तक बात करें, इफेक्टिव रेंज कभी भी हम किसी भी वेपन के मैनुअल्स मैनुअल को देख के उसका इफेक्टिव रेंज नहीं बता सकते। इफेक्टिव उस वेपन के मैनुअल में जो इफेक्टिव रेंज होता है लिखा हुआ, उसका मतलब आप ये समझे कि जैसे मैं आईयूएफ के किसी भी वेपन की बात करूं, जैसे आईयूएफ का पिस्टल या रिवॉल्वर की बात करें, तो आप नेकेड आइज से, मतलब बिना किसी बाहरी उपकरण का मदद लिए हुए, जैसे विदाउट टेलीस्कोप का, आपने इफेक्ट अपने नेकेड आइज से अगर किसी रेंज पे आप टारगेट लगाते हैं, किसी रेंज को शूट करते हैं, तो अगर उस टारगेट को 50% आपने हिट कर लिया, मतलब आपने 10 शॉट चलाया और 5 शॉट आपने उस टारगेट को हिट कर लिया जिस टारगेट को आप शूट कर रहे हैं, तो वो उसका इफेक्टिव रेंज है। वो 25 मीटर जो वो लिखती है आईयूएफ की, इसका इफेक्टिव रेंज 25 मीटर है। दैट मींस कि विदाउट टेलीस्कोप या विदाउट रेड डॉट के आपने उस टारगेट को 50% हिट किया, दैट उसका 25 मीटर है। जाने को तो अगर आप ये कहें कि रिवॉल्वर की गोली या पिस्टल की गोली 600-700 मीटर तक जाती है, अगर आप उसको एक एलिवेशन दे दें, ये आपका वेपन है, आपने इस तरीके से चलाया है, तो वो मान लीजिए कि 100 मीटर पे जाके उसकी ग्रेविटी अपने तरफ खींचता है, वो डाउन हो जाता है। आपने उसको एलिवेशन दे दिया तो वो गोली जो है ना, वो ट्रेवल करती है इसे, वो इस तरीके से ट्रेवल करती है। आपने सीधा चलाया तो वो धीरे धीरे डाउन होगा, अगर आपने थोड़ा एलिवेशन दे दिया तो वो ज्यादा दूरी तय करेगा, वो कार्ट्रेज जो है उसकी गोली जो निकली है वो ज्यादा दूरी तक तय करेगी। 315 राइफल की बात करें या 3006 राइफल की बात करें, 400 यार्ड उसका इफेक्टिव रेंज होता है, मतलब 400 यार्ड तक आप विदाउट एनी टेलीस्कोप आप उस टारगेट को 50% हिट कर लेते हैं। 10 शॉट में 5 शॉट आपका उस टारगेट पे लग गया तो वो आपका वो 400 मीटर उसका इफेक्टिव रेंज है। हालांकि 3006 राइफल को अगर आप खुले मैदान में हैं और आपके पास अच्छी कंपनी का टेलीस्कोप है तो आप 2 किलोमीटर पे भी टारगेट को हिट कर देंगे, अगर उसको लग गया जगह पे किसी इंसान को वो मर जाएगा। तो कभी इस भ्रांति में मत होइए कि 400 यार्ड, अगर कंपनी ये दावा कर रहा है कि 400 यार्ड तक ही उसका इफेक्टिव रेंज है, तो 400 यार्ड के बाद अगर आपकी गोली जाती है और किसी इंसान को लगती है तो वो मरेगा नहीं, वो मर जाएगा सर। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। 2017 के में मिडिल ईस्ट में एक ऑपरेशन चल रहा था, उसी ऑपरेशन में एक कैनेडियन स्नाइपर टीम के एक स्नाइपर ने 3340 मीटर पे एक आईएस के आतंकी को मार गिराया था। समझ गए ना, वो एक आईएसआईएस के आतंकी को 3340 मीटर की दूरी पे वो मार गिराया था और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है सर, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और ये 3.5 किलोमीटर का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था कैनेडियन आर्म्स फोर्स के स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के ज्वाइंट टास्क फोर्स के एक स्नाइपर ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिस जेटीएफ जिसका नाम JTF-2 स्नाइपर था। और उस स्नाइपिंग में जिस वेपन का यूज हुआ था, इस स्नाइपिंग के दौरान जिस वेपन का यूज हुआ था वो मैकमिलन TAC-50 था। मैकमिलन TMCMILLAN TAC-50 का वो राइफल का नाम था, आप गूगल कर सकते हैं, जिसमें 50 कैलिबर का कार्ट्रेज लगता है। 50 कैलिबर का मतलब 12.7 × 99 mm, ये इस कैलिबर। और इस सबसे मजे की बात क्या है, इस राइफल का जो इफेक्टिव रेंज है वो 1800 मीटर ही था। तो सर, 1800 मीटर का अगर किसी राइफल का रेंज है तो वो 3540,
मतलब 3.5 किलोमीटर की दूरी पे अगर उसने मार दिया, वो भी आप ये देखिए वो मिडिल ईस्ट की ये घटना है, और मिडिल ईस्ट की ये घटना है खुले मतलब रेगिस्तान में, ये काफी तेज हवा चलता है जिसमें ग्रेविटी तो कार्ट्रिज को खींचता ही अपनी तरफ, हवा जो है वो भी कार्ट्रिज को मूव करता है, और वो 350 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर पे उस टारगेट को हिट किया और वो टारगेट मर गया। और वो मतलब ऐसा नहीं कि गोली लगने के बाद वो छटपटाया और काफी देर तक तड़पा, वो इंस्टेंट कार्ट्रिज उस गोली उसको लगा और वो तुरंत वहीं डाउन हो गया। तो सर ये आप कभी इस भ्रांति में मत होइएगा कि आपके कार्ट्रिज की कैपेसिटी, उसका इफेक्टिव रेंज, आपके कार्ट्रिज का इफेक्टिव रेंज, आपके राइफल का इफेक्टिव रेंज ये है, तो इससे आगे हमारी हमारी गोली नहीं जाएगी। इस भ्रांति में कभी मत रहिएगा, क्योंकि ये इससे अगर इस डायलेमा में आप रहेंगे तो आपके साथ दूसरों के साथ वो नुकसान हो जाएगा सर। इस सिंड्रोम से आप बाहर निकले, ऐसा नहीं है। जो इफेक्टिव रेंज है, अगर चलाने वाला बहुत तगड़ा है, आपका मजल मतलब आपको मजल वेलोसिटी और वेट ऑफ द बुलेट, मास ऑफ द बुलेट का जानकारी अच्छा जानकार है आप, तो आप 3006 राइफल से आप 2 किलोमीटर पे भी मार के किसी इंसान को गिरा सकते हैं। तो ये वीडियो मेरा एक इफेक्टिव रेंज पे एक छोटा सा वीडियो था, आशा करता हूँ आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा, आता होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।